अस्सलामु अलैकुम शैतवान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है बेटा क्लास 10 पैराग्राफ जो 15 नंबर का होता है, और आज हम जो पैराग्राफ रीड आउट करेंगे वो ये है अ रिवर इन फ्लड। अ रिवर का मतलब होता है दरिया, इन फ्लड यानी कि दरिया के अंदर तोगयानी या सैलाब। अ फ्यू ईयर गो कुछ जो है वो सालों पहले इट रेन्ड बारिश हुई हैवली बहुत ज़्यादा ऑन द माउंटेन पहाड़ों पर। द लेवल सतह ऑफ वाटर पानी की रोज़ वेरी हाई इन द लैग जिलों में बहुत बुलंद होगी ऑफ मंगला डैम में। इन ऑर्डर टू सेव द डैम डैम को बचाने के लिए द गेट्स ऑफ द डैम वार अब्रोपली अचानक ओपन खुल गए। दिस कोज वजह बनी है ग्रेट फ्लड तक यानी कि इन द रिवर दरिया में झेलम में। ऑल द टाउन तमाम टाउन जो एंड विलेज गांव वाले बार बैडली बुरी तरह अफेक्टेड मुतासर हुए बाय द फ्लड वाटर पानी के यानी कि सैलाब के पानी से। स्पेशली खास तौर पर द कंडीशन हालत ऑफ द झेलम सिटी वाज बहुत बदतरीन थी। द स्वे बहाव ऑफ द वाटर पानी का वाज वेरी फास्ट बहुत तेज़ था। इट पुल डाउन गिरा दिए मैनी हाउसेज बहुत से घर। इट आल्सो डिस्ट्रॉय तबाह कर दिए क्रॉप्स फसलें मैनी मैन बहुत से आदमी वुमेन होते हैं एंड एनिमल जानवर वार स्विफ्ट अवे बह गए। एवरीबॉडी हर कोई वाज हॉरिफाइड खौफज़दा था। द पीपल लोग मूव थ्रो द फ्लडेड सैलाब से जो है वो दूर चले गए एरिया इलाकों में टूवर्ड्स द हाई एरिया ऑफ द साल्ट माउंटेन यानी कि जो ऊपर वाली जगह पर पहाड़ों की जानब। सम टुक शेल्टर किसी ने अपना ली इन टू स्टोरी दो जो है वो स्टोरी बिल्डिंग में। इट वाज अ वेरी हॉरिबल खौफनाक सीन मंजर था। वही साह देखा द डेड बॉडीज मुर्दा शाम को पीपल लोगों की एंड क्रॉप्स और लाशों की ऑफ एनिमल जानवरों की फ्लोटिंग जो तैर रहे थे इन द वाटर पानी में। रेस्क्यू टीम रीच पहुंची देर वहां टू से बचाने के लिए द पीपल लोगों को। रिलीफ कैंप जो है इमदादी कैंप वर आल्सो सेटअप कैंप किए गए थे। मेडिकल एड मेडिकल जो मदद वाज गिवन टू द सफर्स उनको दी गई जो इसमें मुबतला थे। इट वाज अ वेरी हॉरिबल इंसिडेंट ये बहुत खौफनाक वाकया था। ये तो था बेटा आज का पैराग्राफ क्लास 10 के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ीमानिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम।